YouTube चैनल एडू संकल्प ते आज आप फिर मिल रहे हैं पंजाब सीरीज दे लेक्चर फिफ्थ दे नाल। उम्मीद करता थोनू पहले चार लेक्चर बहुत काम आए होंगे, काफी नॉलेज मिली होगी उन्हें, तो हेल्पफुल रहेंगे थोड़े एग्जाम के लिए। सो आज आप लेक्चर फिफ्थ पंजाब लिटरेचर दे कल्चर स्टार्ट करते हैं। सो आज का लेक्चर होएगा अपना लास्ट लेक्चर होएगा, इस तो बाद नेक्स्ट लेक्चर दे विच आप स्टार्ट कराएंगे वो करेंगे क्वेश्चन नेयर जो पंजाब के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, आप एमसीक्यू फॉर्मेट दे विच कराएंगे। सो कोई भी मिस ना करियो और इस वीडियो के नाल भी शुरू तो लेके एंड तक जुड़े रहो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा मिस ना हो। सो स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर फिर पंजाबी लिटरेचर दे कल्चर। लिटरेचर ऑफ पंजाब देखते हैं। फर्स्ट पर्सन ने भाई कहान सिंह नाभा, बहुत फेमस पर्सन है भाई कहान सिंह नाभा। इन्होंने वर्क्स कॉम्पोजिशन देखते हैं जी, गुरु शब्द रतनकार महान कोश। भाई कहान सिंह नाभा ने की लिखा है जी, गुरु शब्द रतनकार महान कोश जिसनों सिख एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है जी। की कहा जाता है? सिख एनसाइक्लोपीडिया। राजधर्म गुरमत मार्टन, गुरमत प्रभाकर, गुरमत सुधाकर, एक इस दी कंपोजिशंस ने जी भाई कहान सिंह नाभा दिया। यूनिवर्सिटी विच इन्हां दे नाम ते लाइब्रेरी है, चेयर है भाई कहान सिंह नाभा दे, ठीक है जी। ही इज रिगार्डेड एज सिख एनसाइक्लोपीडिस्ट, इंपॉर्टेंट है जी। इन्हां नूं की कहा जांदा है? सिख एनसाइक्लोपीडिस्ट, ठीक है। सिख धर्म दी बहुत नॉलेज सी, सिख धर्म बारे बहुत लिखिया, इस करके कहा जांदा सिख एनसाइक्लोपीडिस्ट। किस नूं? भाई कहान सिंह नाभा नूं। नेक्स्ट देखते हैं जी, भाई वीर सिंह, किसने नहीं सुनिया जी भाई वीर सिंह का नाम। वर्क्स के कंपोजिशन देखते हैं जी, सुंदरी तरेल तुपके खालसा समाचार, कुछ इंपॉर्टेंट जिहड़ियां कंपोजिशंस ने जी, जिवें कि सुंदरी है, तरेल तुपके है, खालसा समाचार है। इन्हां नूं कहा जांदा है क्रिएटर ऑफ मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर, की कहा जांदा है जी? क्रिएटर ऑफ मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर, भाई वीर सिंह नूं मन्नया जांदा है क्रिएटर ऑफ मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर। ते इन्हां नूं कहा जांदा जी, और की कहा जांदा? सिक्स्थ रिवर ऑफ पंजाब। सिक्स्थ रिवर ऑफ पंजाब कहा जांदा, पंजाब का छेवां दरिया कहा जांदा। किस नूं? भाई वीर सिंह नूं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, गुरदयाल सिंह बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। वर्क्स ते कंपोजिशन है जी, मड़ी दा दीवा, अद चानन रात, अन्ने घोड़े दा दान, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। मड़ी दा दीवा, अद चानन रात, अन्ने घोड़े दा दान, कंपोजिशन होर भी है लेकिन आप पेपर ले जो इंपॉर्टेंट है वो कर रहे हैं, ठीक है जी। गुरदयाल सिंह एंड ही वॉज अवॉर्डेड विद ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1999। इंडिया का सब तो वड्डा अवार्ड है जी लिटरेचर दे विच, जिहड़ा हाईएस्ट अवार्ड इंडिया दे विच, दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इंडिया का, ठीक है। और गुरदयाल सिंह नूं मिलिया हुआ है जी, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड। साहित्य अकैडमी अवार्ड भी मिले, बाकी भी अवार्ड मिले इन्हां नूं, लेकिन सब तो जिहड़ा वड्डा अवार्ड मिले दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं जी, ईश्वर चंद्र नंदा, आई सी नंदा, ठीक है जी। वर्क्स ते कंपोजिशन दे जी इन्हां दीआं, सुहाग, सुभद्रा, लिली दा विआह। सुभद्रा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है जी, ठीक है। सुहाग, सुभद्रा, लिली दा विआह, ईश्वर चंद्र नंदा दी, इन्हां नूं कहा जांदा जी रिगार्डेड एज फादर ऑफ पंजाबी ड्रामा। इन्हां नूं पंजाबी ड्रामा दा पिता कहा जांदा है। कोई भी ड्रामा इन्हां दी नज़र तों होए बिना स्टेज ते नहीं हुंदा सी, ठीक है जी। कोई भी ड्रामा लिखते लिखा जाता सी तां पहलां ईश्वर चंद्र नंदा ही द्वारा चैक किया जाता सीगा, ठीक है जी। इस लैवल दी शख्सियत सी आई सी नंदा, फादर ऑफ पंजाबी ड्रामा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नानक सिंह, ठीक है जी। नानक सिंह दे इंपॉर्टेंट वर्क्स ते कंपोजिशन है, चिट्टा लहू, खूनी वैसाखी, एक म्यान दो तलवारां, पवित्र पापी, कटी हुई पतंग, ठीक है जी। एक किसकी कंपोजिशंस ने? नानक सिंह दी। नानक सिंह कहा जाता है जी पायनियर ऑफ पंजाबी नॉवल्स का सरप्रस्त मनिया जाता है जी। किसनों? नानक सिंह। इंपॉर्टेंट कंपोजिशंस किस दी ने? नानक सिंह दी।
पायनियर ऑफ पंजाबी नॉवल्स। नेक्स्ट देखते हैं जी अमृता प्रीतम। वर्क्स ते कॉम्पोजिशन है जी अमृता प्रीतम दिया, पिंजर, सागर और सीपियां, दिल्ली की गलियां, कोरा कागज, कागज ते कैनवस, आज आखां वारी शानु, नागमणि, सुनेहे, लोकपीड़ और इन्हां दी ऑटोबायोग्राफी की है जी रसीदी टिकट। बहुत इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी है अमृता प्रीतम दी रसीदी टिकट। अमृता प्रीतम नूं वी इंडिया दा हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ है जी। ज्ञानपीठ अवार्ड मिले, पद्म विभूषण मिले, पद्मश्री मिले जी। एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वेमेन टू बी अवॉर्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड। इंडिया की पहली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जी, इंडिया की पहली फीमेल सी, पहली लेडी सी जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलिया। सैकेंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इंडिया का साहित्य अकेडमी अवार्ड। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वेमेन, पहली वेमेन सी इंडिया की जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अमृता प्रीतम दारिया रचनावान सारी कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं। शिव कुमार बटालवी, ठीक है, गाणियां दे विच बहुत बार जिक्र हुंदा है शिव कुमार बटालवी दा, बहुत गाणियां दे विच इन्हां दीआं तुक्कां इन्हां दे शब्द लिते जांदे ने शिव कुमार बटालवी। वर्क्स ते कंपोजिशंस ने जी पीरां दा परांदा, लूना, मैनू विदा करो, अलविदा ते इक होर इंपॉर्टेंट है जी बिरहा दा सुल्तान। बिरहा दा ये भी कॉम्पोजिशन है जी शिव कुमार बटालवी की, ठीक है। पीरां दा परांदा, लूना बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। मैनू विदा करो, अलविदा ते बिरहां दा सुल्तान भी इंपॉर्टेंट है। एंड शिव कुमार बटालवी सी इन्हां नूं सब तो छोटी उम्र दे विच की मिलिया जी साहित्य अकैडमी अवार्ड, मात्र 33 साल दी एज दे विच। ही वॉज द यंगेस्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड विद साहित्य अकैडमी अवार्ड इन द एज ऑफ 31 ईयर्स। 31 साल की एज के विच इन्हां नूं की मिल गया साहित्य अकैडमी अवार्ड मिल गया, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी, सॉरी सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। शिव कुमार बटालवी तो बाद दलीप कौर टिवाणा, वेल नोन नेम है जी पंजाबी साहित्य विच दलीप कौर टिवाणा। वर्क्स ते कॉम्पोजिशन देखते हैं जी, अग्नि प्रीख्या, एहो हमारा जीवन, पीले पत्तियां दी दास्तां, पूछते हो तो सुनो, कथा कहो उर्वशी, लंबी उडारी, ठीक है जी। ये किस दियां कॉम्पोजिशंस ने, दलीप कौर टिवाणा दियां, और इन्हां दी ऑटोबायोग्राफी है जी नंगे पैरां दा सफर। नंगे पैरां दा सफर ऑटोबायोग्राफी है दलीप कौर टिवाणा दी। इंपॉर्टेंट पंजाबी राइटर है दलीप कौर टिवाणा। नेक्स्ट देख रहे हैं सुरजीत पात्र। वर्क्स ते कॉम्पोजिशंस ने जी सुरजीत पात्र दियां, हवा विच लिखे हरफ, हनेरे विच सुलगदी वर्णमाला, लफ्जा दी दरगाह, पत्थर पाचर दी पजेब ते सुरजामीन। ये किने लिखा है जी, सुरजीत पात्र ने। सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन आप कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट राइटर ने पंजाब के। अगले देखते हैं जी बलराज सानी, यानी वर्क्स का कॉम्पोजिशन है जी मेरा पाकिस्तान सफर, मेरा रूसी सफरनामा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है जी मेरी फिल्मी आत्मकथा। रिसेंटली पेपर में पूछी गई सी मेरी फिल्मी आत्मकथा किसकी ऑटोबायोग्राफी है, बलराज सानी। बलराज सानी राइटर होने नाल नाल एक्टर भी रहे ने, राइटर होने नाल नाल पंजाबी सिनेमा के एक्टर भी रहे हैं बलराज सानी, और इन्हों की इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन थोड़े सामने है। नैक्सट है जी करतार सिंह दुग्गल। करतार सिंह दुग्गल की कॉम्पोजिशन देखते हैं जी, डंगर, सोनार बंगला, सदर पूनम की रात, मिट्टी मुसलमान की।
करतार सिंह दुग्गल ऑल्सो वन ऑफ द फेमस राइटर ऑफ पंजाब, डंगर, सोनार, बंगला, सदर पूनम की रात ने मिट्टी मुसलमान की इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन ने जी करतार सिंह दुग्गल दिया। नोट करते जाओ जी, सारी इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन आप कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी शेख फरीद, ठीक है, शेख फरीद लेजेंड पर्सन है, पंजाब के लेजेंडरी राइटर है, लेजेंडरी पोइट है शेख फरीद, ओरिजिनल नेम है फरीदुद्दीन गजशंकर, ठीक है जी। फर्स्ट रिकॉर्डेड पोइट इन पंजाबी लैंग्वेज, इन्होंने पंजाबी लैंग्वेज का पहला पोइट मनिया जाता है, किसनों, शेख फरीद नू, ठीक है जी। कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 शब्द एंड 112 श्लोक इन गुरु ग्रंथ साहिब जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लेना जी, ठीक है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के शेख फरीद के 4 शब्द 112 श्लोक दर्ज ने जी गुरु ग्रंथ साहिब जी के, ठीक है। शेख फरीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जी अपना। अगे देखते हैं जी, शाह हुसैन रिगार्डेड एज पायनियर ऑफ काफिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत जी। काफिया एक स्टाइल ऑफ पोएट्री है, काफिया लिखिया जाती ने, ठीक है जी, काफिया लिखिया जाती हैं, और पायनियर ऑफ काफिया, काफिया के सरप्रस्त किनू मनिया जाता है, शाह हुसैन जी पोएट्री लिखते थे, काफिया की फॉरमेशन च लिखते थे, और सरप्रस्त मनिया जाता है शाह हुसैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पायनियर ऑफ काफिया कौन, शाह हुसैन। नेक्स्ट देखते हैं जी वारिस शाह, ठीक है, शेक्सपियर ऑफ पंजाब, वेल नोन परसन, की कहा जाता है जी, शेक्सपियर ऑफ पंजाब वारिस शाह, ठीक है जी। लेजेंडरी लव स्टोरी लिखी है वारिस शाह ने, केड़ी, हीर रांझा, ठीक है जी, मैं तेरी हीर तू मेरा रांझा, हीर रांझा लिखी है जी। कॉम्पोजिशन किसकी है, वारिस शाह की, इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन। देखते हैं बुल्ले शाह, ठीक है, बुल्ले शाह भी लेजेंडरी फोक पोएट ने, पंजाब के कॉम्पोजिशन है, मक्के गया गल मुकदी नहीं, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है, मक्के गया गल मुकदी नहीं, बुल्ले शाह कहना चाहते हैं मक्के चले जाओ, मसीह चले जाओ, मंदिर चले जाओ, जो तो थोड़ा मन साफ नहीं है वो तो कुछ नहीं हो लग गया जी, ठीक है जी। बुल्लिया की जाना मैं कौन, ठीक है, एक नुकते विच गल मुकदी, और यह कॉम्पोजिशन ने जिहड़ियां इंपॉर्टेंट तुकां ने किस दियां ने, बुल्ले शाह दियां इंपॉर्टेंट है जी, बुल्ले शाह लेजेंडरी राइटर ने पंजाब दे। अगेन पीलू ने की लिखी जी, सस्सी ते पुन्नू, जिहड़ी लव स्टोरी है सस्सी पुन्नू किसने लिखी, पीलू ने, ये कुछ लेजेंडरी राइटर्स ने पंजाब दे जो पेपर लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट मोड ते आंदे ने पेपर दे विच, पीलू ने लिखी सस्सी पुन्नू। अवार्ड देखते हैं जी, जिहड़ी आपां लिटरेचर कीती, ज्ञानपीठ अवार्ड जो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है जी, अमृता प्रीतम ते गुरदयाल सिंह दो ही परसनैलिटीज ने पंजाब दियां जिन्हां नूं इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड मिले, ज्ञानपीठ अवार्ड, अमृता प्रीतम ते गुरदयाल सिंह। दूजे है जी सरस्वती सम्मान, देखते हैं आपां किनू किनू मिले पंजाब विच, सुरजीत पात्र नूं मिला सरस्वती सम्मान, दलीप कौर टिवाणा नूं मिलिया ते हरभजन सिंह नूं मिलिया, रुख ते ऋषि दे राइटर ने हरभजन सिंह, ठीक है जी। सुरजीत पात्र, दलीप कौर टिवाणा, हरभजन सिंह, सिर्फ तीन ही परसन ने जी पंजाब के जिन्हों सरस्वती सम्मान मिलिया। एक होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी थोड़ा दिखा दें, सरस्वती सम्मान कौन दिता है जी, इट इज़ गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन दें जी सरस्वती सम्मान, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सरस्वती सम्मान तीन 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 जने मिलिया, और के बिरला फाउंडेशन अवार्ड दें, हाईएस्ट अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड दो जन मिले, अमृता प्रीतम से गुरदयाल सिंह। पंजाब की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो बार बार रिपीट होंगी, और भी बहुत सारिया बुक्स ने पंजाब दी, ठीक है जी, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट बुक्स ने जो अपने पेपर के बार बार आदि ने, अपने इंपॉर्टेंट बुक्स ध्यान से रखना। चल अगे चलते हैं जी, फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑफ पंजाब, पंजाब के खेडा, पंजाब के मेले कि जी, फेयर देखते हैं। मुक्तसर फेयर जिन्होंने आप माघी मेला बोलते हैं जी, मकर संक्रांति के दिन होंगे मुक्तसर फेयर, ठीक है, मुक्तसर का मेला होंगे जी मकर संक्रांति के दिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कदों होंगे मकर संक्रांति दिन, इन द मैमोरी ऑफ हैरोइक फाइट ऑफ 40 मुक्ते, 40 मुक्तियां की याद में होंगे जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के लिए 1705 के विच अपने आप को शहीद कर लिया, ठीक है, अपनी जान निछावर करती, ठीक है जी, शहीदी देती किसने, 40 मुक्तियां ने, वो लेड डाउन देयर लाइफ फॉर गुरु गोबिंद सिंह जी ऑन 29 दिसंबर 1705, उन्होंने याद के होंगे जी पंजाब के
मुक्तसर फेयर, मुक्तसर फेयर नु होर की बोलते हैं जी, माघी मेला, माघी मेला, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है माघी मेला मुक्तसर फेयर, डन। नेक्स्ट है जी किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, वेरी वेल नोन स्पोर्ट्स फेस्टिवल है जी, किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, पॉपुलरली नोन एज की कहा जाता है जी, खास करके रूरल ओलंपिक्स की कहा जाता है जी, रूरल ओलंपिक्स, किला रायपुर दी खेडा नु बोलते हैं रूरल ओलंपिक्स। एच बुल कार्ट रेस है जी सब तो फेमस है, बाकी आर्चरी, फेंसिंग, रस्साकशी, जोर आजमाइश, कबड्डी, कुश्ती, बहुत सारिया खेडा खेडिया जाए ने। किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पिंडा दी ओलंपिक्स क्या जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिगार्डेड एज रूरल ओलंपिक्स। नेक्स्ट देखते हैं जी छपार दा मेला, छपार फेयर, छपार दा मेला कितने होंगे जी, गुग्गा बाबा जी जो हिंदू सेंट सीगे, हिंदू चौहान राजपूत परिवार चो जो हिंदू संत होए, गुग्गा बाबा जी हिंदू वीर होए, ठीक है, इन्हां दे ऑनर दे विच हुंदा है जी छपार दा मेला, ठीक है, कितने 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 होंगे जी, लुधियाना दे विच, कितने होंगे डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना दे विच कहा जाता है कि जिहड़ी गुग्गा बाबा जी दी सप्पां दे उपर, ठीक है, सप्पां दे उपर बहुत जबरदस्त लैवल ते सजड़े सप्प सीगे, स्नेक सी, उह कंट्रोल च सीगे, इन्हां दी शक्ति सी सप्पां दे उपर कंट्रोल च सीगे, तां जदों छपार दे मेले दे विच मतलब स्नेक्स की पूजा की जाती है, उन्होंने दुध से बाकी चीजा ऑफर कीतियां जांदियां ने, ठीक है जी, छपार दा मेला इंपॉर्टेंट है। नैक्सट देखते हैं जी होला मोहल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट, होला मोहल्ला सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ निहंग सिंह, निहंग सिंह का फेस्टिवल है जी होला मोहल्ला, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जेडे निहंग सिंह की जो खालसा पंथ की स्थापना की, निहंग सिंह की जी फाउंडेशन हुई 1700 सॉरी 1699 के, ठीक है, तो निहंग सिंह का फेस्टिवल है जी होला मोहल्ला, ठीक है। होली तो एक दिन बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, होली तो एक दिन बाद सेलिब्रेट होंगे जी होला मोहल्ला, ठीक है जी, मार्शल आर्ट्स, बोर्डिंग, आर्चरी, हॉर्स राइडिंग, ठीक है, ये सारिया चीज़ा परफॉर्म कीतिया जांदियां ने होला मोहल्ला दे विच, कितने होंगे जी, वेन्यू की है आनंदपुर साहिब, होला मोहल्ला कितने सेलिब्रेट होंगे जी, आनंदपुर साहिब दे विच सेलिब्रेट होंगे होला मोहल्ला, ठीक है जी। नेक्स्ट है जर्ग फेयर, जर्ग का मेला हेल्ड इन द ऑनर ऑफ गॉडेस शीतला, शीतला माता दे ऑनर दे विच हुंदा है जी जर्ग दा मेला, जर्ग विलेज है डिस्ट्रिक्ट लुधियाना दे विच जिथे हुंदा है जी, ठीक है, शीतला माता नूं जिहड़े मिठे गुलगुले हुंदे ने, गुड़ दे बने गुलगुले ऑफर किए जाते हैं, ठीक है जी, स्पैशली ऑफर हुंदे ने किस नूं, शीतला माता नूं, जर्ग दा मेला हुंदा है डिस्ट्रिक्ट लुधियाना दे विच, ठीक है जी। बाकी पंजाब दे विच इस नूं बासड़े दे नाम दे नाल जाणिया जांदा है, पंजाब हरियाणा दे विच, ठीक है, बासड़ा बोलते हैं शीतला माता दे मेले नूं, ठीक है, जर्ग पिंड में खास महत्वता के कारण इस जर्ग का मेला कहा जाता है, ठीक है जी। अगला देखते हैं जी शहीदी चौड़ मेला, शहीदी चौड़ मेला कितने होंगे जी, फतेहगढ़ साहिब, जी फतेहगढ़ साहिब इन ऑनर ऑफ छोटे साहिबजादे, गुरु गोबिंद सिंह जी के जो छोटे साहिबजादे सी उन्होंने ऑनर के होंगे जी, ठीक है, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह ते फतेह सिंह नूं जिंदा चिनवाया सीगा वजीर खान ने, जिंदा चिनवाया सी कंध दे विच वजीर खान ने, ठीक है, सो उन्हां दी शहीदी दे सम्मान दे विच, शहीदी दे ऑनर दे विच कीता लगाया जांदा जी शहीदी जोड़ मेला, इत्थे हुंदा फतेहगढ़ साहिब दे विच हर साल दिसंबर महीने दे विच इह मेला सैलीब्रेट हुंदा है, ऑर्गेनाइज हुंदा है, जिहदे विच बहुत वड्डी तादाद दे विच हिंदू सिख ते बाकी धर्मां दे लोग फतेहगढ़ साहब ते सरहद दे विच मत्था टेकन पहुंचते हैं, ठीक है जी। देखते हैं गुग्गा नौमी, ठीक है जी, गुग्गा नौमी गुग्गा बाबा जी के अंदर भी सेलिब्रेट होंगी है गुग्गा नौमी, और एक कदों होंगी है जी जन्माष्टमी तो बाद, अष्टमी तो बाद आती है नौमी, सो कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन होंगी है जी गुग्गा नौमी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इदा का क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन के बाद होंगी है, सो जन्माष्टमी तो तुरंत अगले दिन सेलिब्रेट होंगी है जी गुग्गा नौमी, ठीक है, अष्टमी के नौमी नाल तुसीं लिंक करके आंसर कर सकते हो।
नेक्स्ट है जी हर बल्लभ संगीत मेला, ये इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है, ठीक है। देवी तालाब टेंपल जलंधर दे विच सेलिब्रेट हुंदा जी हर बल्लभ संगीत मेला, पूरे भारत तो जेडे फोक सिंगर ने, सूफी सिंगर ने, क्लासिकल जो सिंगर है वो इत्थे आंदे ने ते अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस दिंदे ने। हर बल्लभ संगीत मेला कित्थे हुंदा जी? देवी तालाब टेंपल जलंधर दे विच। नेक्स्ट है जी रोशनी दा मेला, जिसनों फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। रोशनी दा मेला पंजाब कितने सेलिब्रेट हुंदा है जी? ये सेलिब्रेट हुंदा है जगराओं दे विच, जगराओं दे विच हुंदा है रोशनी दा मेला। एक मुस्लिम पीर सीगे अब्दुल कादर जलानी, जिन्हां दे ऑनर दे विच, जिन्हां दी याद दे विच ये मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, कितने जगराओं दे विच रोशनी दा मेला या फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। रोजा शरीफ मुस्लिम धर्म का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जी, रोजा शरीफ कितने सेलिब्रेट हुंदा है जी? ये सेलिब्रेट हुंदा सरहंद दे विच, इन द ऑनर ऑफ ग्रेट सूफी सेंट, एक सूफी संत होए ने जी अहमद अहमद फारूकी सरहंदी। एक अहमद फारूकी सरहंदी 31 मई, हर साल 31 मई नू सरहंद दे विच सेलिब्रेट हुंदा है जी रोजा शरीफ। मेन्यू की है जी? सरहंद, ठीक है। नेक्स्ट है टिक्का फेस्टिवल, भाई दूज नू कहा जाता है जी टिक्का फेस्टिवल, रिसेंटली पेपर दे विच पूछा गया। तो इंपॉर्टेंट जिहड़े फेस्टिवल्स ने जी इह पंजाब दे, इंपॉर्टेंट मेले ने, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ने पंजाब दे, ठीक है। ते आपां ध्यान रखणे चंगी तरह नजर मारते हैं जी पंजाब दे फोक डांसिस ते, जिहड़े फोक डांसिस ने पंजाब दे विच, चलो देखते हैं जी फोक डांसिंग। पहला देखते हैं जी आपां फीमेल डांसिस, ठीक है जी, ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਸਿਸ ਫੀਮੇਲਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੀਮੇਲ ਡਾਂਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਮੀ, ਗਿੱਧਾ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਕਿੱਕਲੀ। ਸੰਮੀ, ਗਿੱਧਾ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਕਿੱਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਂਸਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੀ ਡਾਂਸ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਦਲ ਬਾਗ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸੰਦਲ ਬਾਰ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੰਮੀ ਡਾਂਸ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਦਲ ਬਾਰ ਰੀਜਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੰਮੀ ਡਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿੱਧਾ ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੈ, ਜਾਗੋ, ਜਾਗੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਚਰ ਤੇ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਚਾਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿੱਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਕਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਂਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੀਮੇਲ ਡਾਂਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਲ ਡਾਂਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਭੰਗੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਭੰਗੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੰਗੜਾ, ਡਾਂਕਰਾ, ਡਾਂਕਰਾ ਵੀ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਹੀ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਜੈਨਰ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ? ਡਾਂਕਰਾ। ਕਮਾਲ, ਗੱਤਕਾ, ਗੱਤਕਾ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਡਾਂਸ। ਗੱਤਕਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੁੱਲੀ, ਲੁੱਡੀ, ਝੂਮਰ ਤੇ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਝੂਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਸ ਫੋਰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਝੂਮਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਝੂਮਰ। ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ, ਗਿੱਧਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗਿੱਧਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਆਂਸਰ ਫੀਮੇਲਸ ਲਾ ਦਈਏ। ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਲ ਡਾਂਸ ਹੈ ਮਲਵਈ ਗਿੱਧਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਡਾਂਸਿਸ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਲਸ ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਡਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਮੇਲਸ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਡਾਂਸਿਸ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੰਦੂਆ ਤੇ ਕਾਰਤੀ। ਜਿੰਦੂਆ ਤੇ ਕਾਰਤੀ ਕਾਮਨ ਡਾਂਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਮੇਲਸ ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਂਸਿਸ। ਕਾਮਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਅੱਜ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਸੋ ਕਾਮਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰੋ ਵਾਸ ਅ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਮਰ। ਕਾਮਾ ਕਾਟਾ ਮਾਰੋ ਕੀ ਸੀ? ਜੈਪਨੀਜ਼ ਜਪਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼। ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੀਮਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿੱਤਾ, ਚਾਰਟਰਡ ਬਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ। ਟੇਕ ਦ ਬੈਚ ਆਫ 376 ਇੰਡੀਅਨ ਐਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ।
ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ। 376 ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਿਪ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਸ਼ਿਪ ਵਾਸ ਨੋਟ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਡੌਕ ਐਟ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 22 ਓਨਲੀ 22 ਮੈਨ ਵਰ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਲੈਂਡ, ਸਿਰਫ 22 ਪਰਸਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਪਾਏ, ਸਿਰਫ 22 ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਰੁਕੇਗੀ ਨਾ ਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਰੁਕੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਸ਼ਿਪ ਵਾਸ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਨਨ ਆਫ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਾਸ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੋਨੋਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ? ਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਜੀ ਬਜਬਜ ਨੀਅਰ ਕੈਲਕਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਲੇਸ ਹੈ ਬਜਬਜ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਗਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਪਕੜਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਟ ਵਾਸ ਪਲੇਸਡ ਅੰਡਰ ਗਾਰਡ ਐਂਡ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਰ ਆਰਡਰ ਟੂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਵਾਸ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਮ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਪਕੜੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਕੈਲਕਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕੈਲਕਟਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਨ ਵਿਚ 19 ਸਿੱਖ ਵਰ ਕਿਲਡ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਕੀ ਸੀ? ਜਵਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮਸੈਕਰ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਚੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮਸੈਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਵੈਲ ਨੋਨ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਲ ਟੈਕ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੋਲ ਟੈਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਐਕਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਕੈਨ ਅਰੈਸਟ ਐਨੀ ਪਰਸਨ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸਸਪੀਸ਼ਨ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਵਾਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ, ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਜੀ, ਨਾ ਦਲੀਲ, ਨਾ ਅਪੀਲ, ਨਾ ਵਕੀਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਅਰੈਸਟਡ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀਜ਼, ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਦੋ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ, ਇਹ ਦੋ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਜੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਓਪਨਡ ਅ ਫਾਇਰ, ਕਿੱਥੇ? ਜੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤਲੁਕਾਰਾ ਮਸੈਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ ਰੋਏ ਸਨ ਜੇਮਸ ਫੋਰਡ, ਜਦੋਂ ਜੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਗ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 1940 ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਪਸੂ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੈਪਸੂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ 1948 ਵਿੱਚ ਬਣੀ, 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਨੋਗਰੇਟਡ ਬਾਏ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ, 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਇਨੋਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਘਾਟਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੁਆਰਾ। ਬਾਈ ਮਰਜਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ 8 ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ, ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਪੈਪਸੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਲਸੀਆਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 8 ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਪੈਪਸੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਪਟਿਆਲਾ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ?
कोलैप्स हो गया जदों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होया, उस तो बाद नवी स्टेट्स बनन लग गईयां। पेप्सू ग्रुप 20 स्टेट्स विच आंदा सी और जेड़ा पेप्सू है की होया कोलैप्स हो गया। ठीक है जी, रिसोर्स कामा काटा मारो और सॉरी पेप्सू। ठीक है जी, पंजाब बाउंड्री कमीशन आपां शुरू भी डिस्कस किया सीगा, इंदिरा गांधी ने सेटअप किया। ठीक है जी, जस्टिस जे सी शाह दे अंडर तो इसको शाह कमीशन भी कहा जाता है। अपॉइंटेड बाय इंदिरा गांधी, इट वॉज थ्री मैंबर कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस जे सी शाह, इस करके कहा जाता है शाह कमीशन। बाकी मैंबर सीगे एस दत्त ते एम एम फिलिप्स। इस कमीशन की ही रेकमेंडेशन ते लिंग्विस्टिक बेसिस ते जिहड़ा अपना अज दा पंजाब है ओह बनिया। द रेकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज इनैक्टेड एंड पंजाब वॉज ट्राइफरकेटेड, तीन हिस्से वंडिया गया 1 नवंबर 1966 नूं, फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल ते हरियाणा। ठीक है जी, एदां पंजाब बनिया। डन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगे जी अपने पंजाब हिस्टरी तो। नैक्सट अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा, मिलते हैं बहुत जल्द।